आप लोग ओबीडी खरीद लेते हैं लेकिन आप उसको टेस्ट नहीं कर पाते, चला नहीं पाते, चेक नहीं कर पाते, तो इस वीडियो के बाद आप लोग चलाना सीख जाएंगे, टेस्ट करना सीख जाएंगे और सेंसर जुड़े हुए हैं। ठीक फ्रेंड, तो ये हमने कपलर हटा दिया और अब हम RPM बढ़ाया तो इस पर RPM भी सेट कर सकते हैं और बाकी भी स्किल चेक कर सकते हैं। तो हम जैसे ही आप इसको कनेक्ट कर लेंगे तो उस पर ऐसे फंक्शन आएगा। ठीक है फ्रेंड, ये वाला मॉडल का है, ये वाला मॉडल का मैं बता रहा, और किसी मॉडल का चाहिए तो और किसी भी मॉडल का मैं बता दूंगा। ठीक फ्रेंड, आपको क्या करना है, ओके पे क्लिक करना है और ये जो प्रोसेस है ये इंजन ऑफ पे रहेगा। ठीक है फ्रेंड, इंजन ऑफ पे ये फंक्शन काम करेगा, ऑन पे नहीं काम करेगा। ठीक फ्रेंड, तो इसमें देखिए इतने सारे चीज़ें आ रही हैं, तो इससे हम इसको हमको कुछ नहीं करना, खाली इस तरीके से शट डाउन करना है। इसमें 7 फंक्शन आते हैं। ठीक फ्रेंड, ये 7 फंक्शन आते हैं। इसमें जो है ये 2 फंक्शन है, रीड कोड्स, इरेज कोड, ये 2 चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, रीड कोड्स पे क्लिक करना है। रीड कोड्स पे क्लिक करेंगे तो इसमें कोई भी एरर नहीं आ रहा है। अब हम क्या करते हैं, अब इसमें जो है हम कोई भी चीज़ एक निकाल देते हैं। तो चलिए हम इसमें से ये निकाल देते हैं, तो चलिए हम इस सेंसर का ये कपलर निकाल देते हैं। तो जानकारी को बता देता हूँ, इस जो सेंसर में है इस जो कपलर में है 3 सेंसर जुड़े हुए हैं। ठीक फ्रेंड, तो ये हमने कपलर हटा दिया और अब हम इसको क्या करेंगे, ऑफ़ करेंगे, गाड़ी ऑफ करेंगे, डिस्प्ले चली जाएगी, फिर ऑन करेंगे डिस्प्ले आ जाएगी। और ये देखिए इधर हमने ये कपलर भी हमने इसका निकाला रखा हुआ है और अब हम इसको फिर से आपको वहीं पर ले जाते हैं। इस पर हम आ गए, तो ये देखिए ये आ गया कोड फॉन्ट। ठीक फ्रेंड, तो इस पर हम क्लिक करेंगे तो फिर से आ जाएगा इसमें इरेज कोड, रीड कोड, इरेज कोड, इसमें कोड पता करता है और इसमें कोड हटाता है। ठीक फ्रेंड, तो रीड कोड में हम ओके करेंगे तो ये देखिए इसमें आ गया टोटल पोजीशन सेंसर। ठीक फ्रेंड, और पहला आ गया टोटल पोजीशन सेंसर और लो कनेक्टिविटी, मतलब अगर लूज होता है या फिर हट जाता है तो फिर ये आता है। ठीक फ्रेंड, और दूसरा आ जाएगा ये देखिए, और ये तीसरा आ गया ये देखिए। इसमें 3 सेंसर जुड़े होते हैं और तीनों सेंसर के इसमें नाम आ रहे हैं। ठीक फ्रेंड, ने क्या बताया था कि इसमें जो है आपको कोड पता चलेगा। ठीक फ्रेंड, अब हमको क्या करना है, इसको लगा देना है, तो ये चलिए इसमें हम लगा देते हैं इसको, ये कपलर हमने लगा दिया। ठीक फ्रेंड, कपलर लगा दिया, तो फ्रेंड एक बार फिर से हम दिखाएंगे आपको, इसमें 3 कोड आ रहे हैं। अब हमको क्या करना है, ये कोड हटाना है। कोड हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको ये कनेक्टिविटी जो है ये लगा दिया है हमने, अगर ये आपका हटा होगा या टूटा होगा या ख़राब होगा या फिर ये सेंसर ख़राब होगा तो इसमें ये आपको कोड दिखाई देगा। इस पर आप क्लिक करेंगे तो इस पर कोड दिखाई देगा, आप समझ गए इस पर। अब हम बात करते हैं कि इसको हटाया कैसे जाए। हटाने के लिए दूसरे नंबर का फंक्शन है, दूसरे नंबर पे हम क्लिक करेंगे। ठीक फ्रेंड, इरेज कोड पे, इरेज कोड पे क्लिक करेंगे और यस पे क्लिक कर देंगे। ये हमने यस पे क्लिक कर दिया, ये डन हो गया। ठीक फ्रेंड, अब हमको क्या करना है, फिर से चाबी ऑफ़ करनी है और ऑन करनी है और एक बार जो है गाड़ी स्टार्ट भी करनी है। गाड़ी स्टार्ट कर दिया, फिर ऑफ़ कर दिया, फिर ऑन कर दिया, इतना आपको करना है। इरेज कोड करके चाबी ऑफ और ऑन ऑफ करनी है और गाड़ी स्टार्ट करनी, फिर ऑन ऑफ करनी है, बस इतना करना है। और फिर देखिए आप जादू, आपको जो है पहले क्या है, पहले ये रेड कोड पे जो है पहले 7 जो 3 सेंसर थे वो बता रहा था, कोई सेंसर नहीं बता रहा। ठीक फ्रेंड, तो फ्रेंड जानने का मतलब ये है कि आपको इस वाले पे जो है आपको समझ में आएगा कि आपकी गाड़ी का जो है कितने गाड़ी में मतलब सेंसर हटे हुए हैं, कितने सेंसर ख़राब है, क्या सेंसर ख़राब है, क्या नहीं है, सब पहले नंबर पे आएगा। दूसरे नंबर पे आएगा कि आपको ये जो सेंसर अगर आप नया लगा देते हैं या कनेक्टिविटी उसमें जोड़ देते हैं तो फिर आपका जो सेंसर जो है बिल्कुल फिक्स हो जाएगा, मतलब जो एरर कोड है वो हट जाएगा, ये एरर कोड हटाने के लिए होता है। ठीक फ्रेंड, अब हम आते हैं नीचे आते हैं, ये है 6 नंबर पर, 6 नंबर पर हम आ गए, 6 नंबर पर हम ओके करेंगे। 6 नंबर पे हम ओके करने के बाद हमको क्या करना है, गाड़ी को स्टार्ट करके गाड़ी की जो है कनेक्टिविटी चेक करनी है। इस पे जो है 6 नंबर वाले पे जो है लाइव PCM डाटा पे हमको क्या करना है, 6 नंबर पे स्टार्ट करके चेक करना है। 2 नंबर पे, 1 नंबर पे जो ऑफ करके चेक करना था और जो 6 नंबर पे चेक करना है वो ऑन करके इंजन चेक करना। तो चलिए हम इंजन चेक स्टार्ट करते हैं, ये हमने स्टार्ट कर दिया। ठीक फ्रेंड, तो देखेंगे इसमें रीडिंग सर्कुलेट होने लगी, तो इसमें हम ओके करेंगे नीचे वाले पे, ये देखिए नीचे वाले पे इसमें काफ़ी चीज़ें हैं, आपको समझने की कोशिश है तो मैं आपको दिखा देता हूँ।
तो ये सबसे पहले वाला क्या है कि ये एलो लिख के आ रहा है, लो, मतलब अभी इंजन पे कोई भी लोड नहीं पड़ा है। जैसे हम एक्सीलेटर लेंगे तो इंजन पे लोड पड़ेगा, तो उसमें लिख के आएगा ड्राइव। देखिएगा, ये देखिए ड्राइव लिख के आ गया और ये भी सर्कुलेट करने लगा है। ठीक फ्रेंड, फ्रेंड आपने देख लिया एक नंबर पे क्या होता है और इसमें सारा इंजन की डिटेल आ रही है। ठीक फ्रेंड, और दूसरे नंबर पे हम करेंगे तो इसमें देखिए सबसे पहले आरपीएम आ रहा है। आरपीएम क्या है? 14 है। इसका आरपीएम जो है बढ़ा हुआ है। ठीक फ्रेंड, तो आरपीएम जो है हमको सेट करना है। आरपीएम कैसे सेट करेंगे? तो इसमें आरपीएम सेटिंग का स्क्रू होता है, ये देखिए यहाँ पे आरपीएम सेटिंग का स्क्रू लगा हुआ है। ठीक फ्रेंड, ये देखिए इसमें 14 है आरपीएम। अगर आप लोग ये ओबीडी स्कैनर ले लेते हैं तो इसकी मदद से आप आरपीएम भी सेट कर सकते हैं। इसके लिए आपको टैकोमीटर अलग से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हमको क्या करना है, इसको लूज करना है। ये जो मिक्सचर स्क्रू है इसको लूज करना है, तो इसका आरपीएम होना चाहिए 11। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए हम 11 इसका आरपीएम करते हैं। तो ये देखिए हम यहीं से लूज करेंगे, लूज करेंगे तो रेस बढ़ेगी और टाइट करेंगे तो रेस कम होगी। ये देखिए आपके सामने लाइव, ये देखिए 12 हो गया, ये देखिए 11। इतने पे रहना चाहिए, 11 के आसपास रहना चाहिए। और 11 से एक दो पॉइंट बड़ा भी हो तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए ठीक है, इतना ठीक है, इतना होना चाहिए। ठीक फ्रेंड, तो अगर आपका आरपीएम बढ़ा है तो इस पे आरपीएम भी सेट कर सकते हैं और बाकी भी स्किल चेक कर सकते हैं। तो हम एक्सीलेटर आपको दिखाते हैं कि क्या क्या इसमें सर्कुलेट करता है। ये देखिए, ये इंजन लोड करने पर इसका सर्कुलेट करता है सारा फंक्शन। अब हम चेक करते हैं 7वें नंबर पर, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बैटरी टेस्टर। बैटरी इसमें टेस्ट कर सकते हैं आप। तो 7 नंबर पर हम ओके करते हैं, ओके करते हैं। सबसे पहले आपको चेक करना है बैटरी मेजरमेंट। ये देखिए 13 पॉइंट आने चाहिए, गाड़ी स्टार्टिंग में 13 पॉइंट आने चाहिए। एक्सीलेटर लेने तो कितना आना चाहिए? उतना ही होना चाहिए, 12-13 वोल्ट होना चाहिए। ठीक फ्रेंड, और इसको हम बैक कर देते हैं। इसमें दिखाता है बैटरी के जो कैपेसिटी होती है वो दिखाता है। इसमें भी सेम प्रोसीजर, कोई भी इसमें ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है, ज़्यादा जानकारी की चीज़ नहीं है। ठीक फ्रेंड, और मैं नेक्स्ट करके दिखा देता हूँ। बैटरी लाइफ इसमें सारी डिटेल आ जाएगी आपकी। ठीक फ्रेंड, तो फ्रेंड इतना ही होता है आपका। अगर आप लोग ये जो ओबीडी स्कैनर लेते हैं तो इतनी चीज़ें आपको चेक करने की ज़रूरत है, इतनी चीज़ें जानने की ज़रूरत है। ये 6, 7, 1 और 2, ये दो चीज़ें जानने की ज़रूरत है। ये इंजन ऑफ पे जानते हैं और ये 6, 7 जो है इंजन ऑन पे जानते हैं। ठीक फ्रेंड, और बैटरी वाला भी ऑफ पे ही जान सकते हैं, लेकिन 6 वाला जो है डाटा वाला, ये लाइव पीसीएम डाटा जो है, ये इसीलिए होता है कि इंजन ऑन करने पे चेक करने के लिए। ठीक है फ्रेंड, तो फ्रेंड आशा करते हैं आपको जानकारी समझ में आई होगी और आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आप लोग ओबीडी खरीद लेते हैं लेकिन आप उसको टेस्ट नहीं कर पाते, चला नहीं पाते, चेक नहीं कर पाते, तो इस वीडियो के बाद आप लोग चलाना सीख जाएंगे, टेस्ट करना सीख जाएंगे और आपको एक एक चीज़ डिटेल में पता हो गई। ठीक फ्रेंड, तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।